कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन जो कि आपकी रैंक को जीरो से हीरो तक पहुंचाने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। हमारे पास कोई भी स्क्वाड नहीं रहती जिससे हमें सोलो गेम खेलना पड़ता है या रैंडम मैच स्टार्ट करके खेलना होता है, जहां पर हमारे कैरेक्टर हमारा काफी ज्यादा साथ देते हैं। तो इसी वजह से आज मैं आपको तीन ऐसे बेस्ट कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसको आप सोलो रैंक के अंदर आसानी से यूज करके काफी ज्यादा प्लस कर पाओगे और साथ ही साथ अच्छे तरीके से बुइया भी निकाल पाओगे। सबसे पहला कॉम्बिनेशन है एक स्नाइपर प्लेयर के लिए। जैसे कि आपको पता है रैंक के अंदर स्नाइपर ज्यादा से ज्यादा यूज की जाती है और उसी के साथ वुड पैकर जैसी गन भी यूज होती है, तो उसके लिए आपको इन कैरेक्टर को यूज करना है। ये कॉम्बिनेशन अच्छा से अच्छा स्नाइपर प्लेयर यूज करता है और इसमें से कोई भी कैरेक्टर अगर आपको चेंज करना हो तो आप अपने हिसाब से कर लेना। दो में आते हैं रसर कॉम्बिनेशन। जैसे कि आपको पता है सोलो रैंक के अंदर हमें काफी ज्यादा रस करके खेलना होता है और हम किसी बंदे के साथ फाइट करते हैं तो हमें रसर कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा हेल्प करती है। उसके लिए आपको ये वाली कैरेक्टर स्किल को फॉलो करना है जिससे आप अच्छे तरीके से रस करके किसी भी एनिमी को फास्ट तरीके से मार पाओगे। लास्ट की एडवांस स्किल जाने से पहले अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लेना जिससे आपको जल्दी से हमारी गेमिंग वीडियो देखने को मिल जाए। और कमेंट में ये बता देना अगला कॉम्बिनेशन किसके ऊपर चाहिए और ये भी बता देना कि आप रश करके खेलते हो या सर्वाइव करके। रैंक के अंदर हम जब भी लास्ट में बचते हैं तो जोन काफी ज्यादा छोटा हो जाता है और हमें ज्यादा से ज्यादा डैमेज देता रहता है और बंदे भी काफी ज्यादा रहते हैं जो हमें आसपास से मारते रहते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको ये एडवांस स्किल यूज करनी है जो कि आपको लास्ट में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।